और एक बार फिर आपको बता दें, लखनऊ में बिजली कर्मियों की हड़ताल फिलहाल बनी हुई है और अभी तक कोई हल यहां पर नहीं निकल पाया है। आज भी हड़ताल हो रही है और एक बड़ा फैसला इसको लेकर आज दिया जा सकता है। जल निगम फील्ड हॉस्टल में आज बड़ी बैठक होगी। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और बिजली कर्मियों के नेताओं की ये बैठक होगी और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। तो एक बार फिर से थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। 2.5 घंटे का समय कल लगा था, लेकिन उस 2.5 घंटे के समय में कुछ निकल कर नहीं आ पाया था, बेनतीजन यानी कि ये बैठक रही थी, जिसकी वजह से ये हड़ताल आज भी जारी रही। और अब ये देखना होगा कि आज जब ये बैठक हो रही है तो क्या कुछ निकल के इसमें आ पाता है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीतीश, कल बैठक बेनतीजन रही, अब फिर एक बार बैठक होने जा रही है, क्या उम्मीद नजर आ रही है? आज कुछ उपाय निकल पाएगा, आज कोई नतीजा आ पाएगा इस बैठक को के बाद? निश्चित तौर पे उम्मीदें तो हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाते हैं आप देखिए, जल निगम का ये फील्ड हॉस्टल है और इसी के अंदर एक सभागार है, वहाँ पर बैठक होनी है। और इस बैठक में अगर बात करें तो बिजली कर्मियों के नेता शैलेंद्र दुबे सहित अन्य जो नेता हैं वो मौजूद होंगे, इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मौजूद होंगे। और इतना ही नहीं, आज जो चर्चाएं होगी वो मुद्दों पर चर्चा होगी। जी, लगातार जो बिजली कर्मी है वो ये इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो हमारे जो प्रमुख मांगे हैं उनको हर स्तर पर पूरा किया जाए। और अब ये देखना होगा कि आज की जो बैठक है उसका क्या कोई नतीजा निकलता है या ये भी बेनतीजा होती है। जिस तरह से 2.5 से 3.25 घंटे की कल बैठक हुई और उस बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि अहम बैठक है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। अब उसके बाद अगर बात करें तो रात की सुबह होती है और जैसे ही सुबह ये इस बैठक की बात कही गई, वैसे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है हड़ताल को लेकर। वैसे भी अगर बात करें तो 3 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन, और आज रात को ये जो हड़ताल है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये सारे मुद्दों पर अभी सोचने का विषय है। लेकिन आज जो सुबह बैठक होगी, अभी कुछ देर समय बताया जा रहा है, 10 अगर बात करें तो 11:15 का टाइम था और ये बैठक अभी थोड़ी देर हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 मिनट और देर से शुरू होगी और थोड़ी देर बाद यहां पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पहुंचेंगे और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन देखना यह होगा कि इस बैठक में जो फैसला निकल के आता है वो क्या आता है, क्या ये बैठक बिल्कुल निगाह बनी रहेगी और आपसे जानकारी लगातार हम लेते रहेंगे, अपडेट इस खबर को लेकर हम लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के।